इनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फंबल होता है और अंदर से बोलने से पहले ही हमको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं आपको समझ आ जाएगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा बोलने के लिए तो आप कॉन्शियस हो जाओ। उस कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल पाते, तो उस कॉन्फिडेंस से कैसे बोले, दैट इज अ चैलेंज। उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं सकते। अगर मैं उनसे पूछूं क्या समझ आया बताओ इंग्लिश में बताओ, तो वो अटक जाएंगे वहां पर जाकर के। इसके पीछे रीजन क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? एक तो है सुपरफिशियल लेवल के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैं आपको आकर के बताऊं कि देखो अपनी ग्रामर को ऐसे ठीक कर लो, ये कुछ वर्ड्स हैं अगर आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, व्हाटएवर। बट ये नहीं है प्रॉब्लम की जड़, प्रॉब्लम की जड़ कुछ और ही है। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या हैं, हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो पहले हिंदी में सोचते हो फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो फिर बोलते हो, ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सोल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे? ठीक है, आपको पता है लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? एनवायरमेंट हमारा ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बचपन से जो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की, तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाए कि हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहां पर अप्लाई कर पाए तो काम हो जाएगा, मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक है लंबा प्रोसेस कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पर जा करके स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक करके आपको बताएंगे वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये क्या, उसी में आदमी पागल हो जाएगा। एक तो पहले ही वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, साथ में ये भी देखना पड़ रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो गया ना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीख भी सकते होगे तो नहीं सीख पाओगे, अगर सीख भी जाओगे अंदर ही अंदर तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि अंदर और खचड़ पचड़ हो गई। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हिंदी हमने कैसे सीखी, अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। क्या आपने पढ़ करके सीखी, मतलब जो स्कूल में हिंदी सिखाई तब आपको हिंदी समझ में आई या उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके, बहुत कुछ सीख चुके थे, आप आराम से बात कर पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, किसी से कुछ मांगना है मांग लेते थे, व्हाटएवर। तो कैसे सीखी हमने हिंदी, इंटरेक्शन करके। लेकिन इंटरेक्शन, हमें तो हिंदी आती ही नहीं, हम इंटरेक्ट कैसे करें? इंटरेक्शन तो तब होता है जब दोनों लोग दोनों तरफ से इंटरेक्ट करें। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्युटली, मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे और कॉपी करते थे, इमिटेट। हमने कैसे सीखा, जो भी हरकतें बड़ों को करते हुए देखा उसको कॉपी किया, वो बोल रहे हैं तो हमने भी वो बोलने की कोशिश करी, चाहे टूटा फूटा बोला, जैसा मर्जी बोला, लेकिन बोला। उन्होंने कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हम भी गुस्सा करना सीख गए। हमें पता है कि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, बैठे बैठे बस देखते रहते हैं तो बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं माँ बाप आपस में कैसे लड़ रहे हैं, तो बच्चा वहां से सीख लेता है, बच्चे को समझ आ जाता है, बच्चा टेंट्रम करना सीख जाता है और फिर उसको वो चीज मिल जाती है तो फिर अगली बार और टेंट्रम करता है, और ऐसे ही हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब है हम हिंदी कैसे सीखे, देखते रहे देखते रहे, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जब हिंदी आती ही नहीं तो समझ कैसे आएगी, बट धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे समझते रहे कि जब ये इस तरह के वर्ड्स मुंह से निकलते हैं किसी के तो उसके बाद में एक्शन क्या होता है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टॉय, तो इमीडिएटली हमको समझ आया इसको टॉय बोलते हैं, है ना। तो वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों के अंदर क्योंकि वो कई बार गाड़ी को भी टॉय बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि टॉय क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, गलतियां करी, करते 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 एफर्टलेसली कम्युनिकेशन होने लग गया, इंट्रैक्शन होने लग गया। उस इंट्रैक्शन से क्या हुआ कि अब वो जो सोच रहे थे वही वो बोल रहे थे, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बच्चों की यही खास बात है, बच्चों के अंदर कोई फिल्टर नहीं है, दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो पहला स्टेप हमको पकड़ में आ गया, ऑब्जर्वेशन, दूसरा है प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस करें कहाँ, किसके साथ करें? हमको पता है ये सारी बातें, लेकिन हम एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं उसके और एक लेवल डीप में जाने वाला हूँ। प्रैक्टिस कहाँ करें, किसके साथ करें, कैसे करें? फॉर्मैलिटी क्यों कर रहे हो और क्या जरूरत है? मुझे तो इंग्लिश आती है। आती किसी को भी नहीं है, समझ गए ना? समझ आती है, बोलने में कोई भी सारे पैदल हैं। इट्स अ गुड आइडिया। आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में। उसमें मजा भी आएगा और उस डायरी को जब आप एक साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। ये मैं स्कूल में लिखता था, अब मैं बता नहीं सकता उसमें मैं क्या क्या लिखता था, बट अब मैं देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मतलब कमाल की इंग्लिश होती थी, पता नहीं क्या 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 मैं बनाता था, क्या क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी उसमें चली जाती थी, है ना? तो दिस इज़ अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं सुबह से रात तक, जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। सोच करके ही तो लिखोगे, बिना सोचे कैसे लिखोगे? तो दिस इज अ गुड आइडिया। सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे, वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं, हमें लग रहा है एक सेकंड वीडियो का निकला है, एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। ऐसे ही जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं वेदर कैसा है, आप यही बोलोगे वेदर अच्छा है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वर्ड्स कहां से आए? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, उसके साथ में कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं, वो सारे जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी में जुड़े हुए हैं, तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड्स पड़े हुए हैं। इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, हिंदी के भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, बट आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व। हैबिट आपकी अभी पड़ी हुई है हिंदी में अंदर सोचने की, सुबह से रात तक आप करते क्या हो? कभी नोट करना, कहीं पर अकेले बैठे हुए हो, कभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एकदम से पढ़ाई से ध्यान हटा, बैठ करके कुछ सोच रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई घर में उसके बारे में सोच रहे हो, सोने से पहले कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, थॉट है क्या? अगर बोलना नहीं है तो कभी ध्यान से अपने थॉट्स को देखना। थॉट्स में अगर वर्ड्स नहीं है तो थॉट भी नहीं है। बिना वर्ड्स के सोच के दिखाओ, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसका कोई वर्ड माइंड में पड़ा ही नहीं है, इम्पॉसिबल। हमें यह लगता है कि बात करना या बोलना, मतलब सिर्फ आपसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसको बात करना कहते हैं। अजी नहीं, जो हम अपने अंदर सुबह से रात तक बोलते हैं एक्चुअल में वो बात करना है। अगर अपने अंदर ही अंदर आप इंग्लिश में बोलते रहो, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, या और कुछ नहीं तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दो अपने माइंड के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखोगे, नहीं भी चाहोगे तो मुंह से वो ही निकल रहा होगा जैसे थॉट चल रहे होंगे। इट इज कॉल्ड हैबिट। थिंक इज लर्निंग, बट दैट इज नॉट लर्निंग एट ऑल। लर्निंग मीन्स गेटिंग सम इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग इट इनटू प्रैक्टिस, दैट इज लर्निंग। द मोमेंट यू ब्रिंग समथिंग इन प्रैक्टिस, आइदर यू विल सक्सीड इन इट और यू विल फेल। सो वेदर यू सक्सीड और यू फेल, यू नीड टू लेट इट गो एंड कीप ऑन बिल्डिंग योर प्रैक्टिस।